हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं MBSC सेकेंड ईयर और इसमें पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में बेटा जो हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर सेकेंड, तो लेक्चर नंबर सेकेंड में जब हम एग्जांपल बताने वाले थे तो उस समय जो वीडियो कट गया था, ठीक है ना। तो एग्जांपल आप लिख लीजिए पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाया था, तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर का एग्जांपल जैसे ही बताने वाले थे वीडियो कट गया था, ठीक है ना। तो ये देखो एग्जांपल एग्जांपल, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड, ठीक है ना। हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये देखो हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड यही है FeCN6, ठीक है ना। FeCN6 3-, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ देखिए जो आपका Fe है ये सेंट्रल मेटल आयन है और साइनाइड जो है ये लिगेंड्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए एक Fe से 6 साइनाइड लिगेंड्स अटैच है, 6 साइनाइड लिगेंड्स अटैच है, ये देखिए। तो साइनाइड सी ट्रिपल बॉन्डियन, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्डियन और यहाँ सी ट्रिपल बॉन्डियन और ये होगा सी ट्रिपल बॉन्डियन, सी ट्रिपल बॉन्डियन, सी ट्रिपल बॉन्डियन, ठीक है ना। यहाँ पर प्रत्येक साइनाइड लिगेंड जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन आयरन को, EFC को, ठीक है ना। तो इस तरह से कुल नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप हो गए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें जो है 6 है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe=6। तो देखिए जो सेंट्रल मेटल आयन है 6 लिगेंड से सराउंडेड है, ठीक है ना, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बेटा 6, ठीक है ना। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लिगेंड्स। क्या पढ़ेंगे? लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होता है, अब इसको देखिए। अब ये आपका मान लीजिए ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 3, ठीक। तो ये देखिए ये है आपका लिगेंड्स, लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये लेक्चर थर्ड है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए ये लिगेंड्स जो है आपका, व्हाट इज लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होता है, तो आपको पता है कि दैट केमिकल स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स। तो जो केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है उसको कहा जाता है लिगेंड्स, ठीक है ना। तो लिगेंड्स की डिफिनीशन लिख लीजिए कि दैट केमिकल स्पीसीज, दैट केमिकल स्पीसीज, दैट केमिकल स्पीसीज विच है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज लिगेंड्स, ठीक है बेटा।
तो जो केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता होती है, उसी को कहा जाता है लिगेंड्स। ठीक, लिगेंड्स जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लिगेंड्स न्यूट्रल होते हैं, और इन सम केसेस कुछ केसों में लिगेंड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि लिगेंड्स में भी नेगेटिवली चार्ज, ये देखो लिगेंड्स में भी, लिगेंड्स में भी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स में भी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर आर पॉजिटिवली चार्ज इन सम केसेस। ठीक है ना, तो हमेशा जो है जो लिगेंड्स होते हैं कुछ केसों में लिगेंड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नहीं तो लिगेंड्स के आपका न्यूट्रल होता है या लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है अब आपको जो ये लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स को कहा जाता है लुईस बेस। ठीक है ना, ऑल द लिगेंड्स आर नोन एज लुईस बेस। या हम लिख सकते हैं ऑल द लिगेंड्स आर नोन एज लुईस बेस। ऑल द लिगेंड्स आर नोन एज लुईस बेस। ठीक है ना, सभी लिगेंड्स को क्या कहा जाता है, लुईस बेस कहते हैं। ठीक है ना, अब आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स और टाइप ऑफ लिगेंड्स। ठीक, अब देखिए टाइप ऑफ लिगेंड्स। अब लिगेंड्स के प्रकार, ठीक है ना, तो लिगेंड्स जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर ग्रुप। ठीक है, लिगेंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, डोनर ग्रुप के संख्या के आधार पर कि कोई लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उसकी संख्या के आधार पर लिगेंड्स जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स, यहाँ लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स लिगेंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो डोनर ग्रुप के आधार पर जो लिगेंड्स होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक, पहला लिगेंड्स आपके हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाईडेंटेट लिगेंड्स, ट्राईडेंटेट लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, इस तरह से ये लिगेंड्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आता है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड्स। कौन सा फर्स्ट लिगेंड्स आपका है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है ना, ये पहला लिगेंड्स है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या किसे कहते हैं कि वह लिगेंड्स जो केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है ना, या जिस लिगेंड्स के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता होती है और वह सेंट्रल मेटल आयन से केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो उसको कहा जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। दैट लिगेंड्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन
pair and form only one coordinate bond with central metal ion is called as monodentate ligands. तो उसको कहेंगे monodentate ligands. जो ligands केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कर सकता है और सेंट्रल मेटल आयन के साथ केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो उसको कहा जाता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स. ठीक है ना. तो दोज लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी दोज या दैट जो भी लिखो दैट लिगेंड्स विच है tendency to donate which have tendency to donate only one electron only one electron pair only one electron pair that ligands which have tendency to donate only one electron pair and form only one coordinate bond with central metal ion is called as monodentate ligands. ठीक है ना. तो आपने यही लिखा है कि जो वह ligands जो केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ तो उसको कहा जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स. ठीक. अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल लिख लो. अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स एग्जांपल क्या है. अब एग्जांपल देखो CONH3 ये CO कार्बोनिल है, NH3 अमोनिया, EH2O, ठीक है ना, EH2, Cl, साइनाइड माइनस, NO2, नाइट्राइड, NO3, PH3, NO3, नाइट्रेट, PH3, फास्टीन, ठीक है ना, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, H2S, OH, NH2, OH, NH2, ठीक है, NH2, NH-, NH-, O2-, O2-, CH3, NH2, CH3, NH2, ठीक है ना, फिर देखो CH3 होल ट्वाइस ENH ETC. ये जितने भी लीगेंट्स हैं सब मोनोडेंटेट लीगेंट्स हैं. ये CO है कार्बोनिल, अमोनिया, वाटर, साइनाइड, ये है नाइट्राइड, नाइट्रेट, फास्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, OH हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NH2, NH-, O2-, CH3, NH2, CH3 होल ट्वाइस NH, ठीक है ना. ये सब लिगेंड्स हैं. ये सब लिगेंड्स केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है ना, और सेंट्रल मेटल आयन के साथ केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक. तो इसको कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स. अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स के बाद आपका आता है बाईडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना, बाईडेंटेट लिगेंड्स. ठीक. इसको मिटाते हैं. अब हेडिंग दीजिए आप बाईडेंटेट लिगेंड्स. अब बाईडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है.
जिस लिगेंड्स के अंदर या जिस लिगेंड्स के पास दो डोनर ग्रुप होते हैं या दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है तो उसको कहा जाता है बाइवेलेंट लिगेंड्स। क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स की क्या डिफिनेशन है? बाइडेंटेड लिगेंड्स, सेकेंड आपका है बाइडेंटेड लिगेंड्स। दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना, बाइडेंटेड लिगेंड। अब देखो जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं इनके पास दो डोनर ग्रुप होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि सच लिगेंड्स कंटेन्स टू डोनर ग्रुप एंड कैपेबल टू फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड एज बाइडेंटेड लिगेंड्स। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म टू कोवेलेंट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड एज बाइडेंटेड लिगेंड्स। जो लिगेंड्स दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है ना, और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल आयन के साथ बनाता है तो उसको कहा जाता है बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना। दैट लिगेंड्स, अब क्या लिखेंगे आप, दैट लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन is called as bidentate ligands, ठीक है ना। तो जो ligands दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल आयन के साथ बना सकता है तो उसको कहा जाता है bidentate ligands, ठीक है ना। कौन सा ligands बोलेंगे? bidentate ligands, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल bidentate ligands का, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है इथाइलीन डाइएमीन, ठीक है ना। इथाइलीन डाइएमीन को शॉर्ट में आपको EN लिखा मिलेगा, ठीक है ना। जब हम IUPAC पढ़ेंगे तो इथाइलीन डाइएमीन को क्या लिखा मिलता है? EN। अब इथाइलीन डाइएमीन यही है, ये देखो CH2, यहाँ पर CH2, ये है बेटा ENH2, ठीक है ना। इसको कहेंगे इथाइलीन डाइएमीन। अब इसमें देखो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, दो इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता, ठीक। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इथाइलीन डाइएमीन जो है इस सेंट्रल मेटल आयन को ये डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये डोनेट कर देगा, ठीक है ना। इस तरह से ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना।
ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया किसके साथ, यहाँ पर हम लिख सकते बेटा सी एम आई। सी एम आई क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। इसी सेंट्रल मेटल आयन को आपका इथाइलिन डाइएमीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट किया यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट कर दिया, ठीक है ना। तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, ठीक। तो इसको कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सलेट आयन, ये देखो एग्जाम्पल टू, ये देखिए एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू है आपका ऑक्सलेट आयन, ठीक है ना। अब ऑक्सलेट आयन देखो ये है सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और इधर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दो बॉन्ड बनाएगा, दो ये भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल आयन तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। एक यहाँ से डोनेट करेगा ये और एक यहाँ से डोनेट करेगा, किसको, सी एम आई को, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक। तो ये ऑक्सलेट आयन है, ये ऑक्सलेट आयन आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स है और इथाइलिन डाइएमीन भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, कौन सा लिगेंड्स, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। अब ट्राइडेंटेड लिगेंड्स की डिफिनेशन क्या होगी, एकदम सेम डिफिनेशन उसी तरह से है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो तीसरा आपका है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, ये थर्ड ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। अब इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, दैट लिगेंड्स, दैट लिगेंड्स विच है, इसको मिटा दे रहे हैं, दैट लिगेंड्स विच है टेंडेंसी, दैट लिगेंड्स विच है टेंडेंसी टू डोनेट, टू डोनेट थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म थ्री कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन, विथ सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड एज ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना। तो जो लिगेंड्स तीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, उसको कहा जाता है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ट्राइडेंटेड लिगेंड, या आप कह सकते हैं कि जिस लिगेंड के पास तीन डोनर ग्रुप होते हैं, कितने, तीन डोनर ग्रुप होते हैं और तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सेंट्रल मेटल आयन के साथ बना सकता है, तो उसको कहा जाता है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना। अब ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल देखो, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल क्या है, अब देखिए एग्जांपल, एग्जांपल अब देखो बेटा ट्राइडेंटेड, ये एथिलीन डाइएमीन है CH2, ये देखो CH2, यहां NH2, NH2, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक, लोन पेयर, ये है आपका इथाइलिन डाइएमीन, लेकिन इसमें से जो आपका ये NH2 है इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए एक ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना, किसी एक ग्रुप के द्वारा ये रिप्लेस हो जाए। तो जैसे यहाँ पर हम लिखें E, हाइड्रोजन देखो रिप्लेस हो गया, NH2 था DNS बचा, अब यहाँ पर हो जाएगा CH2 सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ठीक है ना। इसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन मोनो एसिटेट, क्या बोलेंगे,
एथिलीन डाइएमीन मोनो एसिटेट। अब देखो बेटा यहाँ से ए, देखो NH2 है ना, तो यहाँ पर NH2 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है किसके द्वारा, CH2CO- के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो गए, एक देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा और एक यहाँ से डोनेट करेगा, किसको, सेंटर मेटल आयन। तो देखिए इसमें तीन डोनर ग्रुप है, एक दो तीन, इसलिए इसको कहेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक। इसको इसका नाम है इथाइलीन डाई एमीन मोनो एसिटेट। इसका क्या नाम है, इथाइलीन डाई एमीन मोनो एसिटेट। इथाइलीन डाई एमीन ये है और एसिटेट ग्रुप है ये, ठीक है ना, ये एसिटेट ग्रुप है, इसलिए एक ही एसिटेट ग्रुप है, इसलिए कहा गया मोनो एसिटेट, इथाइलीन डाई एमीन मोनो एसिटेट, ठीक। इसके बाद आपका जो चौथा लिगेंड्स है, वो चौथा लिगेंड्स है टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। कौन सा लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। अब टेट्राडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है, कि जो लिगेंड्स चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है ना, जो लिगेंड्स चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। तो यहाँ पर देखो बेटा ये है आपका चौथा टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। अब टेट्राडेंटेट लिगेंड्स की डिफिनेशन क्या होगी, दैट लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट फोर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म फोर कोवैलेंट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना, जो लिगेंड्स चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक, और चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल आयन के साथ बना सकता है, तो उस लिगेंड्स को कहा जाता है टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। यहाँ हम क्या लिखेंगे, दैट लिगेंड्स विच है टेंडेंसी, दैट लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट फोर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड एज टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। उसको क्या बोलेंगे आप, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे, ठीक है ना, जो लिगेंड्स चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसको आप टेट्राडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे, ठीक। एग्जांपल देखिए टेट्राडेंटेट लिगेंड्स का, एग्जांपल ये है इथाइलीन डाइएमीन CH2, ये बेटा NH2। ये देखो इथाइलीन डाइएमीन है और आपको पता है कि इथाइलीन डाइएमीन जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड्स है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो ये डोनेट कर सकता है, लेकिन इसमें देखो एक दो हाइड्रोजन ये है और दो हाइड्रोजन ये है, ये हाइड्रोजन क्रमशः एक एक करके एसिटेट ग्रुप के द्वारा ये रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन ये हटेगा तो यहाँ बचेगा केवल NH2 की जगह क्या हो जाएगा NH, और हाइड्रोजन की जगह आ गया CH2C1O और यहाँ पर हो गया ये O-, ठीक, यहाँ हो जाएगा बेटा एक हाइड्रोजन ये भी निकल जाएगा, यहाँ NH2 की जगह हो जाएगा NH, ठीक है ना, NH। अब ये हो गया आपका CH2C1O-, ठीक। अब इसमें देखो चार डोनर ग्रुप हो गए,
एक डोनर ग्रुप ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दूसरा डोनर ग्रुप ए हो गया, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और तीसरा डोनर ग्रुप ए हो गया, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और चौथा डोनर ग्रुप ए हो गया। ये है आपका सी एम आई, ठीक है ना। तो ये आपका टेट्राडेंटेट लिगेंड्स है। कैसा लिगेंड्स है? टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, ठीक। अब इसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन डाइएसिटेट। इसका नाम है इथाइलिन डाई एमीन डाई एसिटेट। इथाइलिन डाई एमीन डाई एसिटेट, ठीक है ना। तो ये आपका है टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, ठीक। अब टेट्राडेंटेट लिगेंड्स के बाद आपका आता है पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। पांचवा जो है ये है आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, अब आपको क्लियर है कि पेंटाडेंटेट लिगेंड्स क्या होगा? जो लिगेंड्स पांच इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, ठीक है ना। जिस लिगेंड्स के अंदर पांच इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी होती है उसको कहा जाता है पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर ये पांचवा है आपका पेंटा डेंटेट लिगेंड्स, पेंटा डेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। अब पेंटा डेंटेट लिगेंड्स किसे कहेंगे? एकदम सेम डिफिनेशन उसी तरह से लिखेंगे, दैट लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी, दैट लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म फाइव कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन, विथ सेंट्रल मेटल आयन। CMI का मतलब सेंट्रल मेटल आयन, इज कॉल्ड पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। अब पेंटाडेंटेट लिगेंड्स का एग्जांपल देखिए। एग्जांपल पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, अब देखिए ये है CH2 NH2। ये CH2 NH2, ये देखिए इथाइलिन डाइएमीन है। अब इथाइलिन डाइएमीन की जो दोनों हाइड्रोजन है ये एक एक करके रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका CH2 C(OO-), और ये हो जाएगा CH2 C(OO-), और इसमें से एक हाइड्रोजन केवल रिप्लेस होगा। अभी ये हो जाएगा CH2 C(OO-), ठीक है ना। अब इसमें देखो पांच इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे गए। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट किया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट यहाँ से होगा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट होगा तीन, चौथा यहाँ से होगा चार, और ये हो गया पांच, ठीक है ना। ये पांच इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको? सेंट्रल मेटल आयन CMI को, इसलिए इसको कहेंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो जो लिगेंड्स पांच इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है उसको कहा जाता है पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। ये आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड्स है। इसका नाम होगा इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसिटेट।
इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। देखो इथाइलिन डाइएमीन था, इसमें तीन एसीटेट ग्रुप है, एक दो और एक तीन, इसलिए इसको कहेंगे ट्राई एसीटेट। तो इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। कौन सा लिगेंड्स? हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। छठा आपका है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब हेक्साडेंटेट लिगेंड्स में आपको पता है कि हेक्सा माने सिक्स होता है, छह, तो ये जो लिगेंड्स छह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है उसको कहा जाता है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। जो लिगेंड्स छह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे या सिक्स डोनर ग्रुप उसके पास हो और वह सेंट्रल मेटल आयन के साथ छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो उसको कहा जाता है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। ये आपका छठा है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। अब देखो हेक्साडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है, दैट लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी, दैट लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे एग्जांपल है इसका हेक्साडेंटेट लिगेंड्स का, ये है आपका CH2 NH2 इथाइलिन डाइएमीन, ये है CH2 NH2 इथाइलिन डाइएमीन है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब यहाँ पर इसके दोनों हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस हो जाएंगे बेटा, ये किसके द्वारा, एसीटेट आयन के द्वारा। तो एसीटेट आयन ये CH2 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक। यहाँ CH2 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। अब ये भी हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और यहाँ हो जाएगा CH2 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। अब इसमें देखो चार एसीटेट ग्रुप हो गए, एक दो तीन चार, चार डोनर ग्रुप ये हो गए, एक दो एक, चार दो छह हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप इसमें देखो एक आपका डोनर ग्रुप ए है, ठीक, दूसरा डोनर ग्रुप ए है, तीसरा डोनर ग्रुप यहाँ से, चौथा डोनर ग्रुप यहाँ से, पांचवा डोनर ग्रुप ए और छठा डोनर ग्रुप ए, ठीक है ना। इस तरह से CMI है, ठीक है ना, छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ठीक। तो इसको कहेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड, इसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना। EDTA इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा EDTA इथाइलिन डाइएमीन, इसे टेट्रा एसे एसीटेट, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। आपसे ये बहुत पूछा जाता है
कि इथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसीटेट का स्ट्रक्चर बताइए बनाइए, ठीक है ना। तो इथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसीटेट का स्ट्रक्चर यही है, ठीक। तो इस तरह से ये आपका रहा हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, तो आपने पढ़ा टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है बेटा। थैंक यू।